स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन को करने से पहले जो इस एक्सरसाइज में मेन हमारे डेसिमल एक्सप्रेशंस हैं, जो कि हमारे मेन तीन हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और एक पार्ट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इन तीन का यूज होएगा पूरी एक्सरसाइज में, सिर्फ इन तीन डेसिमल एक्सप्रेशन का यूज होएगा। और हम अभी इनको एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे और सॉल्यूशंस करेंगे। तो पहले हम आते हैं टर्मिनेटिंग पे। टर्मिनेटिंग स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ ऑल आपको पता ही होगा क्या होते हैं। जिन फ्रैक्शंस के ना हमारे सॉल्यूशन निकल जाते हैं, बेसिक डेसिमल्स में लिख ले, लेकिन उनका एक फिक्स्ड आंसर हमारे पास आ जाता है। ओके, जैसे हमारा है 5/2, इसका हमारा एक फिक्स है 2.5, तो ये हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि ये नंबर आगे बढ़ता ही जा रहा है, एक जगह पर स्टेबल है। ओके, टर्मिनेटिंग। अब हम कैसे बता करेंगे कोई चीज़ टर्मिनेटिंग है या नहीं है? जब फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स ये आए 2n × 5m, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, n और m की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ओके, टर्मिनेटिंग की पहचान ये है। नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे इसका बिल्कुल अपोजिट। इसमें हमारा एक फिक्स आंसर आ गया था, हमारा एक स्टेबल आंसर आ गया था, लेकिन इसमें हमारा कोई स्टेबल आंसर नहीं आता। जैसे हमारा 1.3 है एग्जांपल के तौर पर, इसका आएगा 0.333333333, एंडलेस है ये, इसका एंड होगा ही नहीं। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है। और हमारा टर्मिनेटिंग में क्या था, 2n × 5m, यानी 2 और 5 था, लेकिन इनमें 2 और 5 नहीं होएगा, इनको छोड़ के एक्सेप्ट करके कुछ भी हो सकता है। ओके, बेशक इसमें कुछ भी हो, हमारा 3 कुछ भी हो, लेकिन 2 और 5 हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब थर्ड है हमारा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बड़ा इजी है ये, टर्मिनेटिंग में टर्मिनेटिंग की तरह आएगा, इसमें भी हमारा ये होएगा। लेकिन इसमें क्या एडिशन में है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में, इसमें कोई इनके अलावा एक और एक्स्ट्रा डिजिट मल्टीप्लाई होएगा, चाहे वो कुछ भी हो मल्टीप्लाई में होएगा, चाहे 7 हो, 3 हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अलग से मल्टीप्लाई में एक डिजिट होगा। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 10/10 × 7। अब इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 × 5 × 7, 5 से 5 कट गया। अब ये क्या है, 0.1, और उसके बाद हमारा 4, फिर उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे 2, फिर उसके बाद आएगा हमारा 5, ऐसे ही आगे एक ऐसा सीक्वेंस आ जाएगा। जब ये एक सेम पर्टिकुलर डिजिट है वो बार बार रिपीट होता जाएगा, ये होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब ये तीन फॉर्मूलेज हैं जो हमारे तीन ट्रिक्स हैं, 2n × 5m ये टर्मिनेटिंग का है, और यहाँ पे 2n × 5m को छोड़ के कुछ भी आएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में 2n और 5m तो आएंगे, साथ में कोई और भी मल्टीप्लाई में होगा डिनोमिनेटर के। नाउ अब हम सॉल्यूशन करेंगे, बड़ी आसान एक्सरसाइज है। विच रैशनल आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हमें बताना है इसमें टर्मिनेटिंग कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सा है। सबसे पहला 13/3125, अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर कर लेने हैं। 3125 के क्या फैक्टर बनेंगे, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 5, यानी कि 5 की पावर होगी 5 और 2 की पावर होगी 0। अब ये किस में होते हैं हमारे, टर्मिनेटिंग में, तो फिर हमारी ये वैल्यू होगी टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है हमारा 17/18, अब वापस न्यूमिनेटर फैक्टर बने, हमारा क्या बना, 2 × 2 × 2, अब ये हो गया 2³ × 5^0, ये भी हमारी टर्मिनेटिंग में होगी। नेक्स्ट है
64 यानी कि 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पर 2 भी नहीं है, हमारे यहाँ पर अलग अलग डिजिट मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग होगी। नेक्स्ट हमारा 15/1600, ये हो गया हमारा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब ये क्या हमारी बना रही है, 2^6 × 5^2, ये हमारी टर्मिनेटिंग होगी बिकॉज इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 में आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 29/343, अब इसके फैक्टर्स बने हमारे 7³। अब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि 2 और 5 के अलावा इसमें कोई अन्य कोई अलग डिजिट आया। अब 23/5^2, अब ये बात तो सिंपल सी है, यहाँ पर 2 और 5 के फैक्टर्स है तो फिर ये टर्मिनेटिंग होगी, बड़ी इजी चीज़ है। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें देख लो हमारा 129/2^5^7, 7^5। अब यहाँ पर हमारा ये एक्स्ट्रा में है तो फिर ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया है, 7^5 हमारा एक्स्ट्रा में है, प्राइम फैक्टर है, इसलिए हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। नेक्स्ट है हमारा 6/15, अब इसके अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो बनेगा 3 × 5। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 3 भी है तो फिर ये हमारा टर्मिनेटिंग तो हो नहीं सकेगा, लेकिन 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 2/5, यानी 5^1 × 2^0 डिनोमिनेटर, तो ये होगी हमारी टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है हमारी 35/50, अब ये भी हमारी टर्मिनेटिंग होएगी क्योंकि इसके फैक्टर्स आएंगे 5² × 2। अब 77/210, अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो आएगा हमारा 3 × 2 × 5, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ 3। ओके, फर्स्ट सम हो गया, बड़ा इजी है। नेक्स्ट सम, सम नंबर 2, फाइंड रैशनल सॉल्यूशन इन क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें ना वो बताना है, इस रैशनल नंबर्स में जो हमारे टर्मिनेटिंग आए थे हमें उनके सॉल्यूशन बताने हैं। टर्मिनेटिंग पहला कौन सा था, 13/3125, इसका हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारा यही आएगा और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सेकंड था हमारा 17/8, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा हमारा 2.125। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा 15/1600, इसका आएगा 0.009375, और उससे जो अगला है वो है हमारा 23/2^5², इसका हमारा सॉल्यूशन आएगा 0.115। ओके, और अगला है हमारा 16/15, इसका सॉल्यूशन आएगा हमारा 0.4 और इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे 0.7। सॉल्यूशन कैसे निकाला, डिनोमिनेटर से हमने न्यूमिनेटर को डिवाइड कर लिया, हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड विच आर रैशनल नंबर इफ दे आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, व्हाट कैन से अबाउट q। हमें ये बताना है जो नंबर्स दिए हुए हैं क्या वो हमारे रैशन यानी टर्मिनेटिंग है, यानी हम उसको p/q में लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग नहीं सॉरी रैशनल है जिसे हम p/q में लिख सकते हैं, और अगर है तो जो डिनोमिनेटर है उसके बारे में हम क्या बात बोल सकते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू है तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियसली रैशनल नंबर तो होगा। अब क्या है जो डिनोमिनेटर होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, उसके फैक्टर्स होंगे 2n 5m, यानी इसके जो फैक्टर होंगे वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5 होंगे। ओके, बहुत इजी है। अगला है 0.120 1200 1200 0, ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इरेशनल है, मतलब हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताना, ऐसे छोड़ देना। अगला हमारा 3.4 3.12 3 4 5 6 7 8 9, पूरा बार यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है, रैशनल तो है और इसमें क्या है, इसके पास 2 और 5 फैक्टर्स तो है लेकिन साथ में ना एक ऐसा फैक्टर भी है जो 2 और 5 के अलावा एक एडिशनल फैक्टर इसके डिनोमिनेटर में है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी चैप्टर की पहले वीडियो चाहिए हो सॉल्यूशंस की तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपके लिए वही चैप्टर ला दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।